शादी करके मैं घर जाती हूँ जैसे एक बहू सपना लेके अपना कदम ससुराल में रखती है ठीक उसी तरीके से लेकिन वो सपना सिर्फ एक हफ्ते तक ही चला मुझे किसी न किसी बहाने से माइकी भेजने की तैयारी होने लगी मेरे हाथ में सिर्फ पांच रुपए का सिक्का था नाइटी थी मेरे पास उस नाइटी में निकली थी पेट में आठ महीने का बच्चा और मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता बीच में बच्चा था एक साइड में थी और एक साइड वो लड़का था एक साइड मेरी मां खड़ी थी मां कहती तुम ले जाओ लड़का कहता आप ले जाओ मैं बीच में खड़ी हूं इतना तिरस्कार मैं झेलने के लिए पैदा नहीं हूं आंखों में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो जिंदगी जीना है अगर शान से तो हुनर खूब सारी रखो रास्तों में मंजिलों से बढ़ के नहीं है पत्थरें मंजिले आवाज दे रही हैं। सफर जारी रखो मैं अलका जार आप सबका जो स्टॉक में स्वागत करती हूँ आज जो स्टॉक के माध्यम से मुझे आप सब तक अपनी कहानी कहने का एक अवसर मिला है जिसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जोशॉक का शायद ये सबको नसीब नहीं होता है और इस मामले में मैं बहुत लकी निकली कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं अपनी कहानी को अपने स्ट्रगल को अपने दुख को आप सब तक बता सकूँ कुल मिला हम लोग छः भाई बहन थे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जब पैदा हुई और जब कहते थे बच्चों का बचपना शुरू होता है उस टाइम पे कहते हैं कि मेरा बचपना ही छिन गया था बचपन से ही मुझे ट्यूबो था और ये पता चला मुझे जब मैं छे साल की उम्र में आई काफी ज्यादा तकलीफ था और चीजों को समझ नहीं पाते थे कि मुझे हुआ क्या है डॉक्टर्स दवाया लिखे और छह महीने तक मेरी दवाइयाँ चली कहते एक बच्चा खेलता है कूदता है लेकिन मेरे साथ कई सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि कभी ये नहीं खाना कभी वो नहीं खाना तो एक तरीके से बचपना मेरा मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बच्ची से कब बड़ी हो गई अब बारी आई मेरी शादी की तैयारियों की मिडीटर घर आता है बोलता है चलिए आपको लड़के वालों के घर ले चलते हैं मेरे पापा जी उनके साथ गए बाई ट्रेन का रूट था बाई रोड जाना उतना आसान नहीं था आज के बारह तेरह साल पहले ट्रेन से जाते हैं डायरेक्ट उस घर पे जाते हैं बैठते हैं सब कुछ होती ही बातें और उन उन लोगों से ही वो मिडेटर मिलवाता है जो लोग उसकी परिचित थे उन्होंने काफी अच्छा फीडबैक दिया और घर चले आए फाइनली वो दिन आता है मेरे इंगेजमेंट का दिन शादी की तैयारियां जोरो जोरो पर चलती हैं मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी इसलिए भैया ने बहुत सारे सपने देखे थे कि अपनी छोटी बहन की बिदाई ऐसे करूंगा ये करूंगा वो करूंगा और किया भी उन्होंने वैसा ही शादी होती है पता नहीं क्यों मन में एक उलझन से थी कि कुछ बुरा होने वाला है कुछ बुरा होने वाला है शादी होती है शादी करके मैं घर जाती हूँ जैसे बहू सपना लेके अपना कदम ससुराल में रखती है ठीक उसी तरीके से लेकिन वो सपना सिर्फ एक हफ्ते तक ही चला जैसे ही मेहमान गए चीजें बदलनी शुरू हो गई और वो वो चीजें हुई तो शायद मैंने सोचा भी नहीं था जब मैंने अलमीरा खोला तो सफाई करते वक्त मेरे हाथ में लगा असली दस्तावेज जो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं जिसमें लड़का मेरी उम्र से बहुत बड़ा उसके बाद जो सर्टिफिकेट थे ओरिजिनल टेंथ के वो देखा मार्कशीट देखी जबकि लड़के को बताया गया था कि लड़का मर्चेंट नेवी ऑफिसर है और उस समय ये सब देख करके मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी वो सब कुछ धोखा था ऐसा कुछ भी नहीं था कहते हैं ना एक लड़की के ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां होती अपनी माँ बाप की एक पल को सोची कि अगर मम्मी पापा को बताऊंगी तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी? चीजों को अपने अंदर रखा एक हफ्ते बीते दस दिन बीते मन कहा कि नहीं मैंने उससे पूछा कि यह क्या है तो बातें किस तरह से घुमा दी गई उसके बाद मैं वहां से घर आती हूँ घर आने के बाद पापा से दबी जुबान में कहती हूँ कि पापा कुछ अच्छा नहीं है लेकिन जैसे हर माँ बाप कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे पिताजी जा ने बोला बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद कुछ महीने बीतते हैं और मेरी विदाई दोबारा होती उसी घर में मन में इतनी बेचैनी इतनी इतना दर्द था कि मैं अपने घर वालों से कहूं तो कैसे कहू दोबारा जाती हूँ तो एक और घटना मेरा इंतजार करती रहती है जिस घर में मैं विदा होके गई थी बाद में पता चलता है कि घर भी उन लोगों का अपना नहीं है उनके भाई थे उनका ही घर था शॉप भी उनकी नहीं थी कुछ नहीं था लड़का कुछ नहीं करता था फिर भी मैंने मन में ठाना कि जो भी है जैसे भी है मुझे इस घर में निभाना है और मुझे यही चलना है यही चलाना है मैं करूंगी जो करना है चीजें हुई और कुछ दिनों में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई मेरा बड़ा बेटा मेरे पेट में आया जैसे उन्होंने प्रेगनेंसी की खबर सुनी फैमिली वाले परेशान हो गए मुझे किसी न किसी बहाने से माइकी भेजने की तैयारी होने लगी क्योंकि लड़का कुछ करता नहीं था और इसका और इसका खामियाजा मुझे उनका क्या नाम था कि ये यहाँ रहके क्या करेगा तुम यहां रहके क्या करोगी दवा लगेगा इलाज लगेगा तुम दोनों माइके जाके रहो पढ़ी लिखी थी समझदार थी मैंने उनसे सवाल किया कि शादी मेरी आपके घर में रहने के लिए हुई है मैं मायके के जाके क्यों रहूं इतना कुछ हो रहा था मेरे साथ कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी कि मैं किधर संभलू क्योंकि पता है ये हमारा खोखला समाज है ना ये बेटी को जीने नहीं देता एक लड़की मरना पसंद करती है एक लड़की फांसी लगाना पसंद करती है लेकिन माई के लौट के आना पसंद नहीं करती क्योंकि ना ये जो समाज है ये कहेगा कि इसकी बेटी आ गई अरे उनकी बेटी को छोड़ दिया गया उनकी बेटी को निकाल दिया गया जरूर उसकी खराबी इस जहर को मन में दबा के मैंने हर संभव कोशिश की कि, कि मैं वही रहूं लेकिन शायद संभव नहीं हुआ और एक महीना भी बच्चा नहीं हुआ था पेट में मुझे माई के बहाने से लाके छोड़ दिया गया मैं मां के घर थी कहते ना सफर और संघर्ष वही खत्म नहीं होता के घर आई एक शादीशुदा लड़की जब खुशहाल मायके आती है ना तो घर वाले भी बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं लेकिन आप कितना भी संपन्न रहो कितना भी आप पढ़ी लिखी रहो कितनी भी आप अच्छे रहो ना लेकिन अगर एक लड़की ऐसे मायके आती तो मायके वाले भी धीरे धीरे बदलने लगते है और यही सच्चाई है उसके बाद धीरे धीरे बच्चा पेट में बड़ा होने लगा सातवां आठवां महीना आया मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे अपने घर जाना है चाहे जैसा भी है और मेरा बच्चा है मेरा बच्चा वही होगा आप प्लीज मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए वो लोग नहीं बुला रहे कोई बात नहीं है मुझे मेरे घर जाना है काफी जिद की और पापा मुझे घर लेके गए आठवें महीने में घर गई और महज पंद्रह दिन ही बीते थे कि मेरे साथ वही सब हुआ जो एक आम महिला के साथ होता था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी कुछ कर नहीं सकती थी पैसे मेरे पास एक भी रुपए थे नहीं जो माँ बाप दिए वो ही रखा था मेरे पास बाकी कुछ नहीं था मेरे पास दवा कहाँ से होगा इलाज कहाँ से होगा बच्चा कहाँ पैदा होगा बार बार ताने दी जाते धीरे धीरे वो टाइम बीता पंद्रह से बीस दिन और आठवीं का लास्ट मेरा आया मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई आनंद फानन में, में मेरे घर वालों को फोन किया गया घर वालों ने बोला कि आप बिटिया को लेके आइए हम देखते हैं वो लोग लेकर के एक हॉस्पिटल में एडमिट किए और बेट पेट में मेरे आठ महीने का बच्चा था एक नाइटी पहनी थी मैं उस नाइटी में मैं हॉस्पिटल में आई और हॉस्पिटल में रात किसी तरीके से बीती और उस रात में जो भी कुछ हुआ कि मेरे होठ पे चोट आए मेरे गले पे चोट आए मेरे नाक पे चोट आए सुबह के टाइम ऐसा हुआ कि अब मैं कैसे खुद को बचाऊं कि मुझे इस बच्चे को बचाना है मैं किसी तरीके से सुबह के टाइम नेक्स्ट डे जब कोई हॉस्पिटल में नहीं था तो मैं अपने को बचाते हुए धीरे से निकल ली कि मैं अपने आप को कहीं खत्म कर लूं या कहीं कुछ हो जाए मेरा और मैं बस निकल जाऊं यहां से मैं जैसे ही वहां से निकली मेरे हाथ में सिर्फ पांच रुपए का सिक्का था नाइटी थी मेरे पास उस नाइटी में निकली थी पेट में आठ महीने का बच्चा और मुझे दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म है अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं क्योंकि माई की मुझे नहीं जाना था तब तक पुलिस वाले की नजर पड़ी और पुलिस वाले ने देखा कि चोट लगी हुई लड़की को पेट में बच्चा है बोला मैडम आप बाहर आइए मैं देखते ही बिल्कुल फूट पड़ी मैंने हाथ जोड़ लिया कि बस मुझे जाने दीजिए आप लोग मुझे मेरा आगे घर है बोले आप कहीं नहीं जाएंगे आप यहाँ बैठिए तब तक पता चलता है ये कहानी मुझे बाद में पता चलती है कि लड़के ने मेरे भाई को फोन किया बोला अपनी बहन को आके ढूंढ लो तुम्हारी बहन मर गई भाग गई हमें नहीं पता कहते हैं ना एक भाई के ऊपर क्या भाई ने जैसे ठंड का टाइम शुरू हो रहा था मेरे दोनों भाई बाइक लेके निकले और पहुंचे मैं पुलिस चौकी पे बैठी थी ना ना मैंने नाम बताया ना घर वालों का नाम बताया कहीं कुछ नहीं बताया बस अपने हाल पे रो रही थी और अपनी स्थिति पर रो रही थी कि आज एक लड़की किस तरीके से बर्बाद होके या बर्बाद होने के कगार पर खड़ी क्योंकि जब एक औरत मां बनने वाली होती है तो बहुत सारे सपने होते हैं लेकिन जो महीना मेरा चल रहा था ना तो मैं भाग सकती थी ना मर सकती थी ना जी सकती थी मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं जब भाई आए तो छोटा सा चौराहा होता है मेरे भाई कमर पे हाथ रखे ढूंढ रहे थे कुछ कहते हैं ना भाई बहन को ढूंढ रहा था पुलिस वालों की निगाह पड़ी उन्होंने बोला कि भाई किसको ढूंढ रहे हो आप बोले सर मेरी बहन है कहीं यहीं पे मैं वहां पे देखते ही पल्लू से अपना मुंह ढक लेती हूँ मेरे भाई मुझे देखे ना तब तक मेरे छोटे वाले भाई आते हैं कि, कि ये है मेरी बहन है उसके बाद भाई पे क्या बीतेगी भाई का क्या रिएक्शन होगा आप लोग समझ ही सकते हैं तो वहां से मुझे किस तरीके से उठाने की कोशिश की गई मैंने कहा नहीं मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी है जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमारे जो में से है। बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते और मैं घर चली आई वहां से थोड़ा सा हॉस्पिटल में दिखाया कि सब कुछ सही है भाई मुझे घर लेकर के आए दिन बीतता है और मेरी डिलीवरी होने वाली थी सताइस जनवरी को लेकिन इतना पेन था जिंदगी में कि मेरी डिलीवरी एक महीने पहले प्रीमेच्योर बेबी आना लिखा था और प्रीमेच्योर तरीके से मेरा बेबी इस दुनिया में आया जब हॉस्पिटल गई तो पापा ने फोन किया कि आ जाओ लड़की एडमिट है बच्चा होने वाला है लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि बिल पे करना पड़ेगा जो कि मेन रीजन था उसके बाद किस से किसी तरीके से आनंद फानंद में सत्ताईस दिसंबर को मेरा बेटा होता है हॉस्पिटल में माँ बाप देखते हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं बच्चा होता है अब आती है का बारी के टाइम पे मैं बैठी थी और लड़का उस टाइम आ जाता है बुलाया जाता है तू देखने के लिए आता है वो ये देखने आता है कि पुलिस एक्शन तो नहीं लिया है बीच में बच्चा था एक साइड मैं थी और एक साइड वो लड़का था एक साइड मेरी माँ खड़ी थी माँ कहती तुम ले जाओ लड़का कहता आप ले जाओ मैं बीच में खड़ी हूं कि सोची मैं कहा जाऊ माँ बोलती है, आप ले जाओ मेरे घर कोई करने वाला नहीं है लड़का कहता आप ले जाओ मैं क्या करूंगा मेरी माँ सिर्फ ये देखना चाहती थी कि कितना ही अपने परिवार के लिए अभी भी सही हुआ है उसके बाद मम्मी ने लड़के को भगा दिया और अपना नाती और मुझे लेके घर गए वापस बच्चा तीन महीने का हो गया कहते हैं ना कि जब लड़की ऐसे आती है तो घर वालों का भी बदल जाता है और वो भी मेरे साथ भी हुआ

दिन भी था जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ चार पांच महीने का मैंने कहा पापा मुझे घर जाना है हो सकता है बच्चे का मुंह देख करके सब कुछ सही हो जाए और मैं सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन ही पास किया था बाकी मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी पापा लोगों ने मना किया कि नहीं देखते हैं क्या होता है लेकिन मैं गई पापा के साथ फिर से गई उस घर में कि मेरा बच्चा देखे शायद सही हो जाएगा सब कुछ जैसे गई तो स्टेशन पे मेरा छोटा देवर मिलता है बोलता है हाँ पापा मैं भाभी को लेके चला जाऊंगा आप घर जाइए लेकिन आगे जाके बीच रास्ते में वो मुझे छोड़ के भाग जाता है मैं घबरा गई आनंद फान पापा को फोन किया पापा भी बुजुर्ग इंसान वो दौड़ के आए मुझे लेके साथ में गए जाते जाते सात बज गया शाम का टाइम हो गया और मैं छोटा सा बच्चा गोद में लेकर उस रोड पे चल रही थी जैसे गली आने वाली थी घर का तब तक देखा कि ताला बंद हो गया है और ताला बंद करके पूरे घर वाले फरार अब मेरे ऊपर कहा कि मैं जाऊँ कहा जिद करके तो आई कि नहीं मुझे वापस उसी घर में जाना है लेकिन अब मैं क्या करूं कहते हैं ना जब दुख की सीमा पार होती है तो भगवान भी खड़ा हो जाता है वहां के गाँव वाले इकट्ठा हुए और बोले इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है वो लोग वहां पे गए कंप्लेन वगैरह हुई और मैं छोटा सा बच्चा लेकर के घूंघट निकाल करके अपने बच्चे को कभी छुप कराती बारिश होने लगी बच्चा कभी सर इधर छुपाता कभी इधर छुपाता मैं क्या करती हूँ मैं तो खुद ही लाचार थी बच्चे आंचल में ढकती बच्चा भूख से रो रहा था कहा से वहां पे दूध लाओ फिर गांव में वही किसी सज्जन व्यक्ति ने जगह दी कि आप रात भर आज हमारे घर रुकिए और आप कल जाइएगा मैं रात भर वो रात जो थी काली रात थी बारिश हो रही थी और मैं पूरी रात सिर्फ यही सोचती रही कि मेरा गुनाह क्या है मैंने क्या किया था फरे भी उन्होंने किया मेरे साथ फिर भी मैंने चलाने की कोशिश की मेरी जिंदगी इतना परीक्षा लेगी मुझे नहीं पता था उस रात मैंने फिर भी उस घर में एक बहू की जिम्मेदारी निभाई कि मैं इस गांव की बहू हूँ मैंने खाना बनाया उन जो पड़ोसी थे कोई रिश्तेदार नहीं थे उनको तो खिलाया और अपने आंसूओं को पोसती रही दूसरे दिन जब जाने की बारी हुई तो पुलिस थाने से कॉल आती है कि आप आ जाइए लड़के वाले आए जब मैं लड़के वालों के पास जाती हूँ तो पता चलता है कि वो पेपर लेके रेडी हैं क्योंकि उनको ये डर हो गया था कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया था जब डाइवोर्स का मैंने नाम सुना मैंने कहा अब बहुत हो गया इतना तिरस्कार मैं झेलने के लिए पैदा नहीं हुई मैंने कहा पापा आप चलिए अब ये कभी भी कदम नहीं रखेंगे मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है इन लोगों ने बच्चों को भी ठुकरा दिया मुझे तो ठुकराया ही था चार महीने का बच्चा नहीं दिखाई दिया मैं गाड़ी में बैठी और पलट के नहीं देखा आगे की तरफ निकल आई घर आई घर तो आ गई थी लेकिन करती क्या कुछ समझ नहीं था बच्चा छोटा था कैसे कैसे करते करते टाइम टाइम बीता बीता और इसी बीच मैंने कहा कि अब मुझे कुछ करना है मेरे छोटे भैया ने बोला कि तुम अपने पैर पे खड़ी हो कोई किसी का नहीं है मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया किसी तरीके से नौकरी मिली मुझे उस स्कूल में अब कहते हैं ना कि मेरे पास एक छोटा बच्चा और एक भी हाथ में नहीं होते थे तो मेरी जो पहली नौकरी थी वो पैतालीस सौ रुपए की थी और काम छोटे बच्चों को पढ़ाना था मैंने कहा करो या मरो है मैं यहां से भाग नहीं सकती एक हफ्ते मैंने इतना मेहनत किया घर पे आके यूट्यूब के देखती कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं वहां मैंने चार साल नौकरी की और एज अ कोऑर्डिनेटर होकर के मैं वहां से अपना रिजाइन ली क्योंकि उसके बाद जिंदगी

हो सकता है चीजें सही हो जाए और वही सोच के मैंने पूरी फैमिली को माफ किया कि पापा कंप्लेन वापस लीजिए मेरे जो भाग्य में था वो लिखा है अब मुझे अपना भाग्य आगे बनाना है है उस लड़के के साथ सुला होता है। लड़का मुझे रेंट के घर पे लेके जाता है माँ के घर के पास ही रेंट पे रहती हूँ और वहां से भी वो छोड़ के कुछ ही दिनों में भाग जाता है जब वो भाग गया तो मैंने कसम खाई कि अब मुझे वापस मई में नहीं जाना मैं आई अपने मन से आई बच्चे का मुंह देख करके आई लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी है मैंने वहां से घर चेंज किया मम्मी के घर के पास आई वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की मेरा बचपन से सपना था कि मैं बैंकर बनूं और मैंने उसके लिए तैयारियाँ भी की थी बट दो बार सफल नहीं हो पाई उसके बाद घर वालों ने शादी कर दी इस बीच मेरा ये सपना अधूरा रह गया था लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी मैंने पढ़ाई जारी रखी अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया था ना कि मेरे पास कुछ नहीं था करो या मरो तो मरना तो ऑप्शन है ही लेकिन करना पहले गाड़ी लेकर कहीं कूद जाऊंगी कहीं मर जाऊंगी बच्चे का चेहरा सामने आता तो कहती नहीं जीना है मुझे इसकी क्या गलती है उसके बाद से फिर कोचिंग शुरू करती तीन क्लासेस चलते घर पे और उस उस बीच में ही मैं अपने घर के नीचे ही मेरा सैलोन था नीचे कोचिंग था तीन से चार चार से पांच पांच से छह मैं कोचिंग सैलोन दोनों देखती बीच में एक लड़की मैंने रखी कि ये हेल्प हो जाएगा वो पंद्रह सौ दो हजार में मिल जाती है उन्होंने थोड़ा सा हेल्प किया और शाम को छह बजे के बाद से नौ बजे तक मैं अपने सैलोन में टाइम लेती तो मैंने बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पे जो भी ओनली फॉर वुमेन था कि यहाँ पे छह से नौ ही आपको जो भी होगा वो आप सुविधा दी जाएगी वो मैंने किया सैलून भगवान की दया से चल पड़ा सबको मेरी मेहनत पसंद आने लगी दूर दूर से लोग आने लगे फिर टाइम आया कि मुझे और काम करना है फिर मैंने जो मैं कोचिंग पढ़ाती थी, थी घर घर जा के वो मैंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू किया स्टडी पॉइंट के नाम से और वहाँ मैंने दो टीचर हायर किए और इसमें मेरे थोड़ा पापा भी सपोर्ट किए वो भी आके कभी एक दो घंटे पढ़ाते थे इस तरीके से करते करते मेरी मेहनत रंग लाई और मैं इस पड़ाव पे आई कि अपना घर का खर्च अपनी जिम्मेदारी बच्चे को पालना अपनी स्कूटी सब कुछ मैंने मैनेज किया और एक टाइम आया कि अब जिंदगी का एक अहम फैसला लेना था मैं सब कुछ भूल चुकी थी और ज़िंदगी में आगे बढ़ना था बात आती है सेकेंड मैरिज की सेकेंड मैरिज का रिश्ता आता है मेरे पास कहते हैं ना कि एक शादी अगर ज़िंदगी बर्बाद करती है तो एक शादी ज़िंदगी आबाद भी करती है फिर मेरे हस्बैंड मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने मुझे वो हर चीज़ देने की कोशिश की जो एक पत्नी चाहती है उन्होंने मुझे विश्वास दिया प्यार दिया सपोर्ट दिया और मैं गर्व से कहती हूँ कि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने पति की वजह से हूँ पहला मेरा मुकाम मिला मुझे गोरखपुर में मैं मिसेस गोरखपुर चुनी गई इस बीच मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और सब में विजेता बन के उभरी सुपर मॉम जीती जो कि अमर उजाला ने गोरखपुर में किया था उसके बाद से मिसेस नेचुरल ब्यूटी आया उसमें मैंने पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली से गोरखपुर आई ऑडिशन देने के लिए और कहते हैं ना संयोग होता है और फाइनली मैं वहां भी वो ताज लेकर के ही घर वापस आई इसी बीच में पढ़ाई भी अपनी जारी रखी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पढ़ाने की कोशिश की और पढ़ाया और साथ में मेरे साथ मेहनत भी की कहते हैं ना सपना हमेशा सपना ही नहीं रहता पूरा भी होता है जो सपने मैंने देखे मेरे पति ने पूरा किया मुझे इतना पढ़ाया कि आज मैं ये बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं जो लड़की एक रुपए के लिए मरती थी जो जहर खाने के लिए मजबूर थी आज वो एक सफल बैंकर और फिर मैंने शुरू किया सोशल मीडिया का सफर मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए यूट्यूब पे मेरे आने का रीज़न था कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीजें होती हैं और मैं औरतों के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं इसी के तहत आई धीरे धीरे लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया और मैं लोगों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो मैं वहां पर आवाज उठाने का काम शुरू कर दी और इसी बीच लोगों के बीच पसंद बनती गई और मैं आज यूट्यूब पे टॉक विदअलका के नाम से अपना चैनल चलाती हूँ टॉक विदअलका के नाम से मेरा सारा सोशल मीडिया हैंडल है लोग कहते हैं कि एक लड़की अगर परेशान होती है तो उसको कोई चाहिए मदद करने के लिए नहीं आपको अपनी मदद खुद करनी है कोई मदद नहीं करता जब एक लड़की तलाकशुदा हो जाती है तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं आपके मां बाप भी मुंह मोड़ लेते हैं और अगर आज में हिम्मत हारी होती तो या तो जैसे मैंने सोचा था कि, कि किसी के घर में काम कर लूंगी ये भी नौमत आ चुकी थी मैं किसी के घर में केयर टेकर का, का काम करूंगी मैं कहीं और चली जाऊंगी बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आई लेकिन मैंने हार नहीं माना और आज मैं कहती जो लड़की

और अब हम अपने करियर को फिर से एक मौका देना चाहते हैं पर जरूरत है तो एक सपोर्ट की मेंटरशिप की और स्किल्स इम्प्रूवमेंट की इसलिए जोश लेकर आया है एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो घर बैठे बैठे लाइव एक्सपर्ट के थ्रू बनाए हमें दोबारा से जॉब रेडी आइए घरेलू काम के साथ साथ करते हैं खुद के सपने पूरे और करियर की एक नई शुरुआत विद कॉन्फिडेंस एंड पॉलिस स्किल्स अगर हम रेडी हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें